Hello everyone, this is Kiran and welcome to my channel. My channel consists of painting tutorials, DIYs, art vlogs and anything art related. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दिवाली है, so me and Chotu wishing you happy Diwali. So moving on guys, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा exciting होने वाली है क्योंकि आज हम लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माँ की painting बनाने वाले हैं. This is completely Diwali special video. इस painting की खास बात ये है कि ये एक abstract painting है और completely beginner level है, तो आप इसे आसानी से घर पर try कर सकते हैं. So before moving on guys, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. It really means a lot to me. So without wasting any moment, let's start our painting. तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ रेक्टेंगुलर शेप का कैनवास. तो फटाफट से हम आउटलाइन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ मैंने लेफ्ट में सरस्वती माँ, सेंटर में मैं लक्ष्मी माँ बना रही हूँ और राइट में मैं गणेश जी बनाऊँगी. आपको शायद बिलीव नहीं होगा यार, लेकिन रियली में मैंने ये पेंटिंग अभी अभी बैठे बैठे डिज़ाइन करी है. मैंने इसके अलावा भी और भी दो तीन डिज़ाइन बनाई थी, बट आई हैव डिसाइडेड कि आई शुड गो फॉर दिस वन. कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ कैमिल आर्टिस्ट एक्राइलिक कलर्स. तो यहाँ पे मैं स्किन टोन बना रही हूँ ऑरेंज, ब्राउन, येलो और वाइट से. ऑरेंज की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है. जैसा कि आप सब जानते हैं, डिटेलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बट डिटेलिंग हम अभी नहीं करेंगे. पहले मैं जो जो जहाँ जहाँ मैंने कलर डिसाइड करा है, मैं वहाँ वो पूरा कलर ऐड करूँगी, देन हम डिटेलिंग लास्ट में करेंगे. अब मैं ज्वेलरी वाले एरिया में कुछ जगह येलो शेड दूँगी. यहाँ मैं एक ग्रीन स्टोन बनाना चाह रही हूँ. आई विल ट्राई कि ये स्टोन एकदम रियलिस्टिक लगें. मैंने ग्रीन और रेड स्टोन यहाँ साइड में बनाए हैं. प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेलिंग वाला पार्ट बताने वाली हूँ. ईयरिंग्स में भी मैंने रेड कलर के स्टोन्स यहाँ पर बनाए हैं. नाउ इट्स टाइम टू कलर हेयर्स. आई हैव डिसाइडेड कि मैं माँ लक्ष्मी की साड़ी रेड कलर की बनाऊंगी. और छोटा सा कुमकुम हमने हमारी माँ लक्ष्मी को लगा दिया है. नाउ इट्स टाइम टू मेक हर नथ. हैंड वाला एरिया मैं फटाफट से कलर कर लेती हूँ. अब मैं कलर करने जा रही हूँ सरस्वती माँ को. सरस्वती माँ का मुकुट हम सबसे पहले बनाएंगे. आई हैव डिसाइडेड कि मैं सरस्वती माँ की जो साड़ी है उसे मैं वाइट शेड ही रखूंगी. यहाँ मैंने लाइट गोल्डन बॉर्डर रखा है और वाइट शेड मैंने यहाँ पे रखा है. नाउ लेट्स पेंट हर सितार. वहां मैंने ग्रीन स्टोन बनाया था, यहां मैं रेड स्टोन बना रही हूँ इनके मुकुट में. नाउ लेट्स पेंट और गणपति बप्पा. इससे भी पहले मैंने गणेश जी की एक पेंटिंग बनाई थी. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. दैट वीडियो वॉज माय फेवरेट, क्योंकि गणेश जी, मैंने ग्रीन कलर के गणेश जी वहाँ पर बनाए हैं और वो कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है और बिगनर लेवल की पेंटिंग है. तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. जब कभी भी हम शेडिंग करते हैं तो मैं साइड में वाइट और फिर सेंटर में लाइट कलर से उसको मिक्स करती हूँ. अब हम हमारे गणेश जी का मुकुट फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ मैं बना रही हूँ पर्पल कलर का स्टोन. यार डिटेलिंग वाला पूरा पार्ट अभी बचा हुआ है, सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड.
अब हमारे पप्पा की फेवरेट थिंग मोदक मैंने यहाँ पे बनाया है। अब मैं कमल का फूल यहाँ पर बनाने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ लाइट और कहाँ डार्क शेड्स, ऊपर की तरफ मैंने थोड़ा डार्क रखा है और सेंटर वाले जहाँ अंदर वाला पार्ट है उसको थोड़ा वाइट लाइंस में दूंगी। यहाँ पर मैं वाइट कलर का फ्लावर बिल्कुल लाइट पीच इफेक्ट मैंने यहाँ पर दिया है इस कमल के फूल को। गणेश जी का मैं फूल फ्लावर बनाऊँगी येलो कलर का। सेंटर वाला वॉज पिंक, लेफ्ट वाला वॉज वाइट एंड द राइट वन इज़ येलो। नाउ इट्स टाइम टू डू ऑल द डिटेलिंग वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो मैं ऐड कर रही हूँ। यार डिटेलिंग वाला पार्ट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा डिटेलिंग आप करेंगे आपकी पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा सुंदर दिखेगी। सो प्लीज़ डू वॉच ताकि आपकी पेंटिंग भी इतनी ज़्यादा सुंदर लगे। अब मैं यहाँ पर ज्वेलरी वाला जो भी एरिया है, ज्वेलरी वाले एरिया में जितनी भी डिटेलिंग करनी है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जो भी लाइट शेड मैंने ली हूँ उन्हीं के डार्क शेड से मैं यहाँ पर आउटलाइन बनाकर उनको डिटेलिंग दे रही हूँ। डिटेलिंग से आपके जो भी एरियाज आपने कलर करे हैं वो और भी ज़्यादा हाईलाइटेड दिखते हैं, जिससे कि आपकी पेंटिंग और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। पेंट ब्रश की बैक वाली टिप से मैं यहाँ पर कुछ वाइट डॉट्स बनाऊँगी ज्वेलरी वाले एरिया में। बैकग्राउंड के लिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं पर्पल शेड दूंगी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, मैं रिस्क तो ले रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शेड अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट दिस इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। तो शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज थी ये शेड मैं ले रही हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा भी कलर नहीं छोड़ना है, साइड वाले जो भी बॉर्डर वाला एरिया उसको भी मैं कलर करूँगी। सितार में मैं एक वाइट आउटलाइन बनाई मैंने, गणेश जी की सूंड में भी मैं थोड़ी सी डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ब्लैक आउटलाइन करना मत भूलिएगा यार। ब्लैक आउटलाइन से आपकी पेंटिंग और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगी। हाँ मार्कर से इजीली हो जाती है, बट पेंट ब्रश से बिल्कुल ध्यान से आउटलाइंस करनी है। आई नो दैट यार कि ब्लैक आउटलाइन करना इज़ डिफ़िकल्ट और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट रियली में इससे आपकी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है। तो आप पेशेंस रखिए और बस बनाते चलिए। पेंट ब्रश की बैक वाली टिप से मैं गणेश जी की माला बना रही हूँ। इससे आसान हो जाता है वाइट डॉट्स बनाना। अब हमारे लक्ष्मी जी के हाथ में से कुछ कॉइन्स हम गोल्डन कॉइन्स में यहाँ पर बना रही हूँ। बैकग्राउंड में मैंने जो पर्पल शेड दिया है उस पर मैं थोड़ी डिज़ाइंस और बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा फ्लोरल डिज़ाइन रखी है। तो हमारी लक्ष्मी जी गणेश जी सरस्वती माँ की पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप ये पेंटिंग बनाते हैं तो मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पे मत भूलिएगा। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।